मुख्यमंत्री के गृह जिले छिंदवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा के तेंदिनी ग्राम में रहने वाली बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा मिथिलेश वर्मा ने शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा से परीक्षा दी थी, जिसका परीक्षा परिणाम आज तक घोषित नहीं किया गया, जिसके चलते छात्रा आगे पढ़ नहीं पा रही। अमरवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने पर उन्होंने बताया कि छात्रा ने पेपर दिया था जिसकी उत्तर पुस्तिका हमने सागर यूनिवर्सिटी भेज दी, पर सागर यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों का कहना है कि इस छात्रा ने परीक्षा दी ही नहीं, जिसके चलते अमरवाड़ा महाविद्यालय से उपस्थित पत्रक सागर यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया। उसके बावजूद भी सागर यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों से संतोषजनक जवाब छात्रा को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते छात्रा कभी कॉलेज तो कभी यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गई है। सागर यूनिवर्सिटी द्वारा की गई विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चिंताजनक है। मिथिलेश वर्मा बीए थर्ड ईयर शासकीय महाविद्यालय मरवाड़ा में परीक्षा दी थी, बाद में जब इनका रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ आकर के संपर्क किए कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। पता चला कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में इनका विथेंड था, बाकी जो विषय के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे। बाद में विश्वविद्यालय से संपर्क किया गया तो विश्वविद्यालय वालों ने बोला कि संबंधित छात्रा का उपस्थिति पत्र नहीं होने के कारण उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। बाद में हमने उन्हें भेजा कि हमने पूरे छात्राओं का उपस्थिति पत्र विश्वविद्यालय के जो संदेश वाहक हैं, जो आते हैं क्वेश्चन पेपर लेकर के, उनके हाथ हमने भेज दिए। उसका हमारे पास पावती भी थी। हमने उनको जब पूरे संबंधित छात्रा के भेजे तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए कि ये लिख करके भेज दीजिए कि संबंधित छात्रा परीक्षा में उपस्थित थी। हमने लिख करके भी दिया, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है कि वो परीक्षा में उपस्थित थी, इसलिए हमने लिख करके भी भेज दिया वहाँ पर। इसके बाद भी संबंधित छात्रा का रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नहीं किया जा रहा है, अतः हम पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि छात्रा के भविष्य को देखते हुए जल्दी से जल्द इनका रिजल्ट घोषित करें। वर्मा हमारे महाविद्यालय की छात्रा, इसने तृतीय सेमेस्टर की एग्जाम दी थी, तो विश्वविद्यालय से इसका जो रिजल्ट आया वो विथर्ड आया है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय में संपर्क किया तो विश्वविद्यालय के अधिकारी ने ये बताया कि छात्रा का जो उपस्थिति पत्रक है, डॉकेट है, ये प्राप्त नहीं होने के कारण इसको कंप्यूटर विषय में विथर्ड कर दिया गया है। इसके पश्चात हम लोगों ने शासकीय महाविद्यालय से संपर्क किया, संबंधित अधिकारी ने हमें ये बताया कि सर हम लोगों ने जो उपस्थिति पत्रक है, उत्तर पुस्तिका है, छात्रा से संबंधित पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह हम लोगों ने एक साथ भेज दिए हैं, अब वो कहाँ पर चूक हुई इसकी हमें जानकारी नहीं है। उसके पश्चात फिर हम लोगों ने विश्वविद्यालय फिर संपर्क किया पत्र द्वारा, तो उनका ये कहना है कि सर आप हमें एक बार और उसकी फोटोकॉपी पहुँचाइए। शासकीय महाविद्यालय से हम लोगों ने संपर्क किया तो वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष थे तो उन्होंने एक बार पुनः पूरे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी विश्वविद्यालय में पहुँचा दी। हम लोग सतत इसके लिए प्रयास करते आ रहे हैं, छात्रा भी दो बार विश्वविद्यालय गई है, मैं स्वयं एक बार विश्वविद्यालय गया हूँ, हमारे महाविद्यालय के कर्मचारी दो बार विश्वविद्यालय गए हैं, पर उनका ये जवाब आया कि सर हम लोग इसे रिजल्ट सेल में रखते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग कार्रवाई कर देंगे, आप 15 दिन में आइए, 8 दिन में आइए, और इसी कारण छात्रा का रिजल्ट अभी घोषित नहीं हो पा रहा है। सर कब से ये लंबी चल रहा है मामला? ये लगभग ये 3 वर्ष होते आ रहे हैं, 3 वर्षों से छात्रा परेशान हो रही है। विश्वविद्यालय में हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, 10 या 15 दिन पहले, तो उनका फिर से ये कहना हुआ कि सर हम लोग इसे रिजर्व सेल में रख रहे हैं और इसका जो पासिंग मार्क है वो बनाकर हम लोग पहुँचा देंगे, किंतु अभी तक इस संबंध में आज दिनांक तक तो अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट हुआ है, मैं एकलव्य कॉलेज की नियमित छात्रा हूँ, मैंने शासकीय स्नातक महाविद्यालय में पेपर दी थी जिसका 30/3/2016 को मैंने परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम आज दिनांक तक घोषित नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई कर नहीं सक रही हूँ और यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं, डॉक्टर हरिशंकर गौर
विश्वविद्यालय वाले बोल रहे हैं कि आपकी उत्तर कॉपी सिग्नेचर से ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए आपका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। और यहाँ शासकीय महाविद्यालय के कर्मचारी ने बताया कि इसके केंद्र अध्यक्ष डायरी, परीक्षा उपरांत जो भी सामग्री रहती है यहाँ, वो सभी हमने सागर यूनिवर्सिटी पहुँचा दिए हैं। मैं सागर भी 2-3 बार गई हूँ, वहाँ भी बोलते थे बेटा काम आपका हो जाएगा, मार्कशीट बन जाएगी, और अभी तक नहीं बनी मेरी मार्कशीट, जिसके कारण मेरी फाइनल की मार्कशीट नहीं आई है। मैं कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि कॉलेज जाओ। शिक्षा विभाग मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं 3 साल से बहुत परेशान हूँ। मेरी मार्कशीट मैंने 30/3/2016 को पेपर दी थी, जिसका रिजल्ट अभी तक मुझे घोषित नहीं हुआ है, जिसके चलते मेरा भविष्य खराब हो रहा है यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से।